ब्लाइंड थोड़े और फिनिशर निकालने के मूड में, ओमेगा गाड़ी ब्लास्ट हुई What? और दो के दो खिलाड़ी यहां पर समाप्त होते हुए दिखाई देंगे टीम फॉरएवर। और इनके लिए डिफिकल्टी तब होगी अगर स्टार बॉय जो है जो पीछे से चुपचाप स्नीक इन कर रहे हैं। आई थिंक स्टार बॉय का करंट गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो केमिन को दिक्कत दे, उनका ये गोल होना चाहिए केमिन जब फाइट में एंगेज हो तब जाके थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट करने की कोशिश, बिकॉज उस टाइम पे फिनिशेस भी आएंगे, प्लेस पॉइंट भी फालतू आएंगे, बिकॉज अभी मिनिमम 8 पॉइंट सबको मिलेंगे। चौथे पायदान पर 8 पॉइंट मिलते हैं, तीसरे पे 10, 10 के बाद 12 और 12 के बाद चिकन डिनर 15। ओ जी विद दैट मैन एडवांटेज, एक अच्छा ग्रेनेड दिया हवा में, शायद स्प्लैश डैमेज पड़ सकता है, अफसोस वो डैमेज नहीं कनेक्शन बना यहाँ पर ग्रेनेड का। बट मैं तो इंतजार कर रहा हूँ स्टार बॉय का कि स्टार बॉय की बंदूक में होगी परेशानियां। एक ओपी ने शो किया, हो गई परेशानी। यहां पे स्टार बॉय फ्यूरी को पिक ऑफ कर लिया, क्या यहां पे स्टार बॉय अपने टीम को सेकंड पोजीशन में जा पाएंगे? नहीं, फैंटम अकेले बचते हुए 1v3 का सिचुएशन। ओजी यहां पे मूव इन करते हुए, क्या ओजी एक और सेकंड की तरफ जा, टीम जो डिजर्व नहीं करती है टॉप 16 के लिए, वो मेरे को लगता है जो हिल बैटल करती है वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। मेरे को थोड़ा एग्रेसिव फन मजा आता है, पर जो हमको उसके चक्कर में भी हिल बैटल करना है क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो टीम्स डिजर्व नहीं करती। वो टीम्स के नाम है जो डिजर्व नहीं करती है, एक CS स्पोर्ट्स, फिर टीम फॉर एवर, हाइड्रा स्पोर्ट्स जो हिल बैटल करती रहती है, ORB हो गए उसमें से एक। वेल वेल वेल, आई थिंक इस टीम के लिए एक बहुत इंटरेस्ट चर्चा करना चाहूँगा मेजी, दैट इज टीम हाइड्रा। हाल फिलहाल में जिस तरीके से टीम उभर के आई है, आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे आईकू सोल की एक फ़ैन बेस है, हाइड्रा की भी एक फ़ैन बेस है, काफ़ी टाइम से यू नो हमें तलाश थी उस एक रोस्टर की, आई थिंक ये टीम दिस इज डूइंग जस्टिस, क्या लगता है? बिल्कुल, और बहुत बढ़िया उनकी टीम ने खेला भी है और इस तरीके से उन्होंने अपने फ़ैन को खुश भी किया है। और चैट सेक्शन में मात्र बस एक ही तो चीज़ आपको दिखाई देती है, ड्रैगन्स, और वो ड्रैगन से एक बार फिर से तैयार है कि एरंगल में वो जो चिकन डिनर है वो निकाला जाए। अभी तक का हाइड्रा का इतिहास रहा है कि कोई भी मैच खेले, कोई भी इवेंट खेले, एरंगल एक ऐसा होता है जहां पर वो चिकन डिनर निकालते ही निकालते हैं। और अगर पास्ट रिकॉर्ड्स की बात करी जाएगी तो एक दिन में एक चिकन डिनर तो उनका आता ही आता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज, कल और परसों तीन दिन में तीन चिकन डिनर मैं टीम हाइड्रा से एक्सपेक्ट तो करता हूँ, पर देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस बाकी गेम्स में किस तरीके से हो सकता है इन सब के बीच में।